Hey guys, welcome back to another video of AKG. भाई साहब, आज की वीडियो बहुत ही तगड़ी है। बात करेंगे उस लॉस के बारे में जो इंडिया ने सफर किया 5-1 का अगेंस्ट चाइना। रोनाल्डो काफी ज्यादा हम्बल है कैसे, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और कई सारे जो है वो ट्रांसफर की खबरें भी आप करके लेके आए हो, तो बहुत ही मजेदार वीडियो है। प्लस आज की वीडियो में एक आपके लिए लाइफ लेसन भी है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना दोस्तों। और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, 100K आप ही पहुंचा पाओगे। वी आर रियली क्लोज टू हिट दैट 90K वाला मार्क, उसके बाद तो 10,000 बचेंगे। तो 10,000 तो तुम लोग ऐसे पूरे करवा देते हो, लेकिन पहले 90K पहुंचाना आपका जो है जिम्मेदारी। सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया की ये जो लॉस हुई है चाइना के खिलाफ 5-1 के बारे में। आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी टू सी दैट हम इंडियन फैंस जो है वो ज्यादा दुखी नहीं इस लॉस को लेकर के, बिकॉज इंडियन फैंस नोज द रियलिटी कि गलती किसकी है इस 5-1 की जो है वो लॉस में। ऑब्वियसली गलती जो है वो फेडरेशन की है थोड़ी सी, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, ये जो जैसे कोई भी टीम 5-1 या फिर 5 गोल से हारती है ना, तो को एज अ ह्यूमिलेशन देखा जाता है। बट वी इंडियन फैंस आर नॉट सीइंग दिस रिजल्ट एज अ ह्यूमिलेशन, रेदर देन वी आर सीइंग कि हाँ इससे अपन जो है वो चीजों को सीख सकते हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं आइगोनिश नेमैक के ऊपर भी, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन थोड़ा सा गेम के बारे में बात कर लूं तो भाई हमारे फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो ये इंडियन नेशनल टीम है ना, ये पहली बार साथ में खेल रही है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर है प्लेयर्स का, अंडर 23 और हमारे कुछ सीनियर प्लेयर्स। ये नई टीम है, ये नया कोच है, तो ये पहली बार साथ में खेल रहे हैं, तो कुछ जो है वो आपको गेम में मैच शार्पनेस की कमी देखने को मिलती, केमिस्ट्री कमी देखने को मिलती। और ये केमिस्ट्री और मैच शार्पनेस कैसे हटती है, ट्रेनिंग्स करके, है ना, डिस्कशंस करके। लेकिन क्या इस टीम को वो करने का मौका मिला? ऑब्वियसली नहीं मिला। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारी इंडियन नेशनल टीम किक ऑफ से कुछ घंटे पहले ही चाइना पहुंची है, और एक बहुत ही लंबा रूट लेकर के। पहले इन लोग भाई फ्लाइट लेकर के गए हांगकांग, हांगकांग में 4-5 घंटे का लेओवर, उस लेओवर को कंप्लीट करके फिर भैया चाइना, चाइना में पहुंच करके आने वाले कुछ ही घंटों में गेम था। तो ये टिकट्स किसने बुक कराई, ये प्लानिंग किसने करी, उसका जो है वो पूरा दोष है कि भाई हमारी टीम जो पहली बार स्टेप अप करने जा रही है साथ में नए कोच के साथ, उनको वक्त ही नहीं मिला कि साथ में एक भी ट्रेनिंग सेशन जो है वो प्रॉपर कर पाए और इस गेम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। बट स्टिल विदाउट अ सिंगल ट्रेनिंग सेशन, यू नो, रीचिंग द स्टेडियम जस्ट सम आवर्स बिफोर द किक ऑफ एंड स्लीपिंग इन टू स्पा रेस्टोरेंट्स, एंड भाई साहब एकदम ऐसे थक करके वहां पहुंचने में, भाई ऑब्वियसली बात थी इंडिया उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। बट स्टिल चाइना जैसे जो है वो होस्टिंग नेशन को फर्स्ट हाफ में पकड़ करके रखा, और राहुल केपी की तरफ से बेहतरीन गोल भी अपन को देखने को मिला, ये ऑब्वियसली जो है वो ब्राइट स्पॉट था। सेकंड हाफ में इतने सारे रीजंस जो मैंने आपको अभी बताए उसके चलते ऑब्वियसली साफ साफ नजर आ रहा था कि हमारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा थक गए हैं। और मैच के बाद जब हमारे कोच का जो है वो इंटरव्यू हुआ, तो कोच ने भी जो है वो बात कही कि मैं तो भाई इस गेम को 70 मिनट तक देखूंगा कि 70 मिनट तक मेरी टीम कैसे खेली, क्योंकि 70 मिनट के बाद जो भी हो रहा था वो मेरे प्लेयर्स के हाथ में था ही नहीं। एंड इट इज ऑल्सो कंफर्म्ड बाय मेनी रिपोर्ट्स दैट सेवरल सीनियर प्लेयर्स एंड सम जूनियर प्लेयर्स एज वेल प्लेइंग विद भाई साहब क्रैम्प्स एंड व्हाट नॉट थ्रू आउट द गेम, उनको क्रैम्प्स हो गए थे बट स्टिल दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम फॉर द नेशन। सो इट वॉज अ वेरी ग्रेसफुल परफॉर्मेंस बाय इंडियन नेशनल टीम। हाँ, बहुत बड़ा लॉस है, बट वो लॉस के चीजों को हम अगर समझें, हम हर एक चीज को जब अगर मतलब समझने की कोशिश करें ऐसा क्यों हुआ, तो हम बहुत ईजिली जो है वो समझ सकते हैं। अब ना इस लॉस के ऊपर क्वेश्चन आइगोरिश टीमैक के भी ऊपर उठाए जा रहे हैं कि जब आपको पता था कि आप ज्यादा आईएसएल के प्लेयर्स को नेशनल कैंप में नहीं लेके आ पाओगे, तो आप आई लीग के प्लेयर्स को एक महीने पहले से कॉल अप करके जो है वो नहीं ट्रेनिंग करवाने लग गए, क्योंकि एट द एंड तो वही हुआ, आप ज्यादातर आई लीग के प्लेयर्स को लेकर के गए हो और आई लीग तो अगले महीने चालू होने वाली है, तो आप एक महीने पहले से ट्रेनिंग कर सकते थे इन अंडर 23 के प्लेयर्स के साथ। तो मेरा कहना इतना ही है और यही लाइफ लेसन है दोस्तों कि ना इंसान कुछ भी करेगा ना, उसको जो है वो भाई गलत साबित करने वाले 10 बैठ जाएंगे। मतलब आप इस चीज को समझना, अगर आइगोरिश टीमैक अंडर 23 टीम उठा करके बनाता आई लीग से और आई लीग के प्लेयर्स को एक महीने पहले से जो है वो कैंप में ट्रेनिंग वगैरह देने लगता जैसा वो प्रपोज कर रहे थे अच्छे प्लेयर्स के साथ जो अपने जो है वो भाई साहब आईएसएल में खेलते हैं, तो लोग ये कहते कि बताओ इसके पास तो अच्छे प्लेयर्स अवेलेबल है बट स्टिल इसको तो अपने ही चलाना है, जबरदस्ती कैंप लगा रहा है, भाई वेट कर ले थोड़े से उन प्लेयर्स का आ जाने दे, उनको करने दे, तो भाई अपनी अपनी चलाता है, ये कोई बात हो गई, अपनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं ले जाना चाहता है, ऐसा वैसा ये वो। अगर वो काम करते तो भी उनको 10 लोग बोलने आ जाते, और अगर वो काम नहीं करे हैं कुछ सोच समझ के तो भी 10 लोग बोलने आ जा रहे हैं। तो एट द एंड पता, आप अगर सही करोगे तो भी आपको 10 लोग बोलने आ जाएंगे, आप गलत करोगे तो भी आपको 10 लोग बोलने आ जाएंगे, तो एट द एंड आप वही करना जो आपका मन करे दोस्तों। और यही थी लाइफ लेसन आज के वीडियो। नाउ ऑल द आईज आर ऑन द नेक्स्ट 2 मैचेस ऑफ भाई साहब हमारे नेशनल टीम, और वो दोनों नेक्स्ट गेम अगेंस्ट म्यांमार एंड
बांग्लादेश इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जीतना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ वी वांट टू भाई साहब फिनिश ऑन सेकंड पोजीशन ऑफ द टेबल, और उसके बाद ही जो है वो हम राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, जो मेन एम है इंडिया का। इंडिया तो पहले से सोच के रखी थी कि हाँ भाई पहला गेम तो मोस्ट प्रोबेबली अपन हारने वाले, तो इसमें इतना कुछ ऐसे दुखी होने वाली बात नहीं है, बट स्टिल अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंडियन नेशनल टीम। बात कर लेते हैं दोस्तों अगली खबर के बारे में, और वो है बर्नार्डो सिल्वा से रिलेटेड। फैब्रिजियो हैज कंफर्म्ड कि केवल 50 मिलियन का जो है वो रिलीज क्लॉज मैनचेस्टर सिटी ने डाला है बर्नार्डो सिल्वा के नए कॉन्ट्रैक्ट में जो वो साइन किया है मैनचेस्टर सिटी के साथ 2026 में। दैट मींस बर्नार्डो सिल्वा कैन लीव फॉर ओनली 50 मिलियन, अगर जो है वो बार्सिलोना 50 मिलियन पे कर देगी बर्नार्डो सिल्वा के लिए। और एवरीबॉडी नोस कि भाई बर्नार्डो सिल्वा ऑब्वियसली वांट्स टू मूव टू एफसी बार्सिलोना, बट देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम एज वेल। पीएसजी इज आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड टू बाय बर्नार्डो सिल्वा, और भाई ऑब्वियसली पेरिस के पास ज्यादा पैसे हैं, दे कैन इजीली पे दी 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज एंड आल्सो गिव अ हायर सैलरी टू बर्नार्डो सिल्वा एज कंपेयर टू बार्सिलोना। सो एंड से जो है वो बर्नार्डो सिल्वा का होगा, विल ही बी कमिंग टू एफसी बार्सिलोना और नॉट अगले सीजन, ये देखने वाली बात होगी, बिकॉज फॉर ओनली 50 मिलियन बर्नार्डो सिल्वा जैसा क्लासी प्लेयर जो है वो अवेलेबल रहेगा ट्रांसफर मार्केट में। और मुझको बहुत ज्यादा जो है वो लग रहा है कि ऑब्वियसली दे विल गो एंड भाई साहब बाय बर्नार्डो सिल्वा। अब भाई बात कर लेते हैं हम लोग अगली खबर के बारे में, और वो है जर्मनी नेशनल टीम के बारे में। सो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि दी पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर जर्मनी नेशनल टीम आर नेगल्समैन एंड भाई साहब आपका लुइस वैन गाल। नाउ दी रिपोर्ट्स आर कमिंग दैट नेगल्समैन इज दी फर्म कैंडिडेट टू बिकम दी नेक्स्ट मैनेजर ऑफ जर्मन नेशनल टीम, और ऑब्वियसली यूरोस 2024 आने वाले हैं, तो हांसी फ्लिक को सैक करके नेगल्समैन को उन लोग बहुत ही जल्दी अपॉइंट करना चाह रहे हैं। दी ओनली प्रॉब्लम वॉज दी सैलरी, क्योंकि जो सैलरी बायन दे रही थी वो काफी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू दी सैलरी जो जर्मनी नेशनल टीम ने प्रपोज किया था उसके सामने। बट नेगल्समैन ने एक चीज को ये जरूर देखा होगा कि भाई एक ही साल के अंदर एक मेजर टूर्नामेंट आ रहा है, और उस अगर मैं मेजर टूर्नामेंट को जिता दिया तो मैं जर्मन नेशनल टीम के साथ भी कुछ जीत जाऊंगा, तो ये काफी अच्छा है, तो मैं पे कट ले लेता हूं। तो वो पे कट लेकर के जो है वो जर्मन नेशनल टीम को कोच करने के बहुत ही ज्यादा नजदीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं भाई रोनाल्डो के बारे में। तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया रोनाल्डो के क्रेजी फैंस का रिएक्शन ऑन सीइंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई साहब ईरान में पहली बार, एंड टू जस्ट सी रोनाल्डो भाई साहब दे वर विलिंग टू डू एवरीथिंग, बस का पीछा कर दिया, पहाड़ चढ़ गए, होटल में घुस गए, बस रोनाल्डो की एक झलक दिखा दो बोल करके। बट भाई साहब अनफॉर्चुनेटली रोनाल्डो की झलक उनको नहीं देखने को मिली ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। बट देयर वर सेवरल स्पेशल फिगर्स जो रोनाल्डो से मिल पाए, हु वर दोस्त, चलो उनके बारे में आपको बता देता हूं। तो एक छोटा सा बच्चा था जिसको सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया था, ही वॉज लिटरली क्राइंग एंड गिविंग एन इंटरव्यू एक जो है वो भाई मीडिया के हाउस को कि भाई मैं रोनाल्डो से मिलना चाहता था, मैं रोनाल्डो का बचपन सा फैन था। रोनाल्डो उस बच्चे को बुला करके उससे मिलते हैं, उसके साथ फोटो वगैरह खिंचाते हैं एंड वो अपनी जर्सी वगैरह भी उसको देते हैं साइन करके, और वो बच्चा बोलता है कि भाई मैं तो यकीन भी नहीं कर पा रहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरे बगल में खड़ा है, क्या वो रियल बंदा भी है कि नहीं। बट ये तो चलो अलग बात है। एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग आपको चीज बताता हूँ, देयर वॉज दिस पेंटर ईरान में जो फिजिकली एबल्ड है, वो जो है वो 2017-18 से जो है वो रोनाल्डो की तस्वीरें वगैरह बनाती थी यूजिंग हर फुट, और हमने ये चीज जो है वो पहले भी देखी, लाइक मैंने पहले से देख करके रखी थी कि हाँ देयर वॉज दिस ईरानियन वुमेन जो रोनाल्डो की तस्वीर अपने पैर से बनाती थी। रोनाल्डो ने भाई साहब उनके साथ ही मुलाकात करी और रोनाल्डो को उन्होंने गिफ्ट किया वो सेम जो है वो फोटोज जो 2017 में उन्होंने बनाया था, जो उन्होंने अभी रिसेंट वगैरह बनाया है रोनाल्डो के लिए, और रोनाल्डो जो है वो उनसे भी मिलते हैं। तो भाई बहुत ही अच्छा लगा ये देख करके, और भाई साहब मजा आ गया देख करके रोनाल्डो का हम्बलनेस ऑन द पिच दोस्तों। खैर यही थी दोस्तों जो है वो आज की वीडियो, और अभी जो है वो बार्सिलोना का अभी चल रहा है भाई यूएफए चैंपियंस लीग में पहला गेम, एंड जस्ट अभी जो है वो जोआओ फेलिक्स ने गोल मारा, और इस वीडियो में अगर मैं से बार बार नीचे देख रहा हूँ तो मैं ये गेम ही देख रहा था दोस्तों, इसी के चलते जो है मैं बार बार नीचे देख रहा था। बट एक गेम अभी हुआ है और वो हुआ था एसी मिलान वर्सेस न्यूकासल का जो ड्रॉ में एंड हुआ, एंड उसमें जो है वो भाई गोलकीपर जो न्यूकासल का था पॉप गजब का खेला है, क्योंकि मैं फर्स्ट हाफ ही देखा हूँ, सेकंड हाफ नहीं देखा हूँ तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बट जोआओ फेलिक्स का गोल अभी मुझे देखने को मिला है। खैर इस गेम का आपको रिव्यू जो है अगर बहुत अच्छा गेम जाएगा तो मैं 7.5 बजे डाल दूंगा, और अगर ठीक ठाक गेम जाएगा तो ऑब्वियसली आपको 11:30-12 बजे देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।